अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज स्टार्ट करते हैं वीडियो से। ये बेसिकली वीडियो मैंने बनाई है अपने बेटे की बर्थडे वाले दिन की, और जो जो मैंने खाना वगैरह बनाया और क्या सेटिंग की, क्या गिफ्ट दिए, वो सब मैंने इस वीडियो में कैप्चर किए हैं। स्टार्ट करते हैं ये सेटिंग से। और ये सेटिंग मैंने की थी रात के, बिल्कुल रात में जब बच्चे सब सो गए थे, ताकि सुबह को उनको सरप्राइज़ दिया जाए बच्चे को, ताकि उसे अच्छा लगे, उसे लगे कि हाँ जी उसकी बर्थडे है। और ये सारी चीज़ें मैंने शॉप की थी ऑनलाइन दराज से। ये बर्थडे बैनर और ये फॉइल कर्टन, साथ में फेरी लाइट्स। अच्छा, मैंने जो है 5 नंबर जो है वो सिल्वर मंगवाया था, लेकिन गोल्डन आ गया, नो प्रॉब्लम। तो खाने से स्टार्ट करते हैं। ये है बेसिकली बांग्लादेशी स्टाइल रोस्ट चिकन, और ये सारी इंग्रेडिएंट है। मैं डालते हुए आपको सबकी क्वांटिटी बताती रहूँगी और यहाँ पर लिख भी दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया था कि जो कैश्यू थे, बादाम, कैश्यू बादाम को लेके मैंने उसको ग्राइंड कर लिया अराउंड 2-2.5 टेबल स्पून करके। ये कैश्यू बादाम है, इसको आप फ्राई कर लें पहले। सबसे पहला काम ये करें, बिल्कुल नॉर्मली कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्राई पैन के अंदर इसको फ्राई करना है, ताकि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और इसकी जो एरोमा है वो आपका बाहर आ जाए। उसके बाद आप ले लें एक और पैन, उसके अंदर आप ऐड कर लें जी ऑयल। ऑयल आप कोशिश करें तो, इसमें ज़्यादा ऑयल डलता है, लेकिन मैंने इसमें उसके 50% कम ऑयल डाला है। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा ऑयल। तो ये अराउंड समझ लें 3 टेबल स्पून ऑयल था, 2-3 टेबल स्पून ऑयल था। इसके अंदर मैं अनियन भी फ्राई करूँगी, इसके अंदर मैं चिकन भी फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ पर ले ली है 3 बड़ी अनियन। आप अनियन को जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले फ्राई करें, और जब ये हल्की गोल्डन होना शुरू हो जाए तो फिर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करें, ताकि ये जल ना जाए, और अगर जल गई तो फिर जो है वो इसको जो टेस्ट होगा खाने का वो ख़राब हो जाना है। इस वजह से कोशिश करें कि आपकी अनियन जले नहीं, और इसमें से आधी आप अनियन अपनी सेपरेट कर लेंगे और आधी अनियन जो है आप रखेंगे कुकिंग के लिए। तो वो जो आधी अनियन होगी वो फिर हम एंड के अंदर जब खाना बन जाएगा तो फिर वो हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। तो मैंने आधी अनियन निकाल दी थी और उसके अंदर मैंने डाल दिया था ये खड़ा गर्म मसाला। इसमें था जी लौंग, बेलीफ और दालचीनी, बेली बिन खड़ा पत्ता और जो है दालचीनी, 3 चीज़ें मैंने डाली थी। इसमें ज़ीरा मैंने नहीं डाला, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पहले भून लिया इस मसाले को, ताकि जो ये गरम मसाला का जो टेस्ट है वो प्याज के अंदर रच जाए, बस जाए। और उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को निकाल के इसी ही पैन के अंदर मैं जो है फ्राई कर लूँगी चिकन को। बिल्कुल जो पैन के साथ ऑयल लगा हुआ है उसी ऑयल के साथ ही मैं फ्राई करूँगी चिकन को। मैंने सॉल्ट में करके, सॉल्ट लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। और मतलब सॉल्ट बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा लगाना है, ताकि वो जो टेस्ट है ना चिकन का वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। इस वजह से मैंने उसमें सॉल्ट लगा दिया था और फिर मैं इसको कर लूँगी फ्राई। मैंने अराउंड ले ली थी 1.5 kg करके ये चिकन ली थी मैंने। हम घर में कम अफराद हैं, अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा लें, और आप उसी लिहाज से अपना मसाला इंक्रीज़ कर लें। आपको चिकन को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि वो सख्त हो जानी है। इसको सिर्फ हल्का ब्राउन कर लेना है, ताकि जो है वो बाद में इससे टेस्ट अच्छा आता है चिकन का। इस वजह से मैंने इसको ब्राउन कर लिया, और जो मेरा मसाला पड़ा हुआ था वापस मैंने वापस से इसमें डाला पैन के अंदर, उसको फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या ऐड करना है। ये देख लें आप, अदरक है, ये बेसिकली 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मिक्स ऑफ अदरक एंड लहसुन, ठीक है। ये आप डाल के इसको भी आप थोड़ा सा फ्राई कर लें। और फ्राई करते हुए अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं हर टाइम पे, वो कोई मसला नहीं है। उससे ये होगा कि मसाला जलेगा नहीं और आपको ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लिया है। भूनने के बाद फिर मैं मज़ीद मसाला ऐड करूँगी, वो है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1.5 टीस्पून रेड चिली पेपर, ठीक है। ये आप इसमें ऐड कर लें। इसमें जो है ज़ीरा पाउडर नहीं डलेगा, इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें डलेंगी, टर्मरिक पाउडर भी नहीं डलेगा, ठीक है। मतलब कि हल्दी नहीं डलेगी इसके अंदर,
और बस दो मैंने मसाले डाले हैं और मज़ीद मसाले मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसाला जले नहीं, उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहती हूँ। अब इसके अंदर आगे जाके डलेगी दही। दही जी थी वो 3 टेबल स्पून करके मैंने योगर्ट ले ली थी, टॉक दही, मतलब जो है सावर सावर योगर्ट जो होती है ना, वो आपने इसमें यूज़ करनी है, नमकीन दही मिक्स ऑफ बंगला उर्दू और इंग्लिश। तो जी ये आपने ऐड कर लेना है इसके अंदर और इसको फिर से थोड़ा सा भून लेना है 1 से 2 मिनट करके, ताकि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आपने ऐड करना है इसके अंदर चिकन, जो चिकन मैंने हल्का ब्राउन किया था वो सारा चिकन आप इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए मैं आपको ये बताती जाऊँ कि मैंने जो सेटिंग की थी ना सारी की सारी, वो मैंने रात के टाइम पे की थी और मुझे इतना डर लग रहा था कि आप लोग भी उनमें से हैं जिनको डर लगता है रात को तो खैर चलें, ये मैंने हसबे जायका का नमक डाल दिया इसके अंदर और साथ में मैंने जो है खड़ा मसाला ग्राइंड कर लिया था, उसमें थी 4 लौंग, 2 बड़ी लौंग थी, 4 छोटी लौंग थी, दालचीनी थी, जायफल था 1 पीस उसका, और जावित्री थी 1 टीस्पून, और एक जो है बे लीफ था, ठीक है, और दालचीनी थी जैसे मैंने आपको बताया एक एक डंडी दालचीनी की। ये सब मैंने मिक्स करके ग्राइंड कर ली थी। ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने वो इसमें ऐड कर दिया जो मसाला था। और अब आ जाते हैं जो कैश्यू नट, जो मैंने कैश्यू बादाम थे फ्राई किए थे, वो इसमें आप ऐड कर देंगे वो मसाले के बाद, मसाले के थोड़ी देर बाद ही, मतलब आप 3 से 4 मिनट भून लें, भूनने के बाद ये ऐड कर दें इसमें। और मज़ीद आप पानी नहीं डालेंगे, चिकन खुद पानी छोड़ता है तो इस वजह से जो है पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने लो फ्लेम मीन टू से मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है और फिर ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और फिर आप अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। इसको आप थोड़ा पकने दें ताकि जो है वो जो पानी है अपना तेल छोड़ दें, ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसके अंदर पानी के बजाय थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एंड में थोड़ा सा जो है मुझे लगा था कि इसमें ज़रूरत है, तो मैंने 2 टेबल स्पून करके मैंने इसमें मिल्क ऐड कर लिया था। मिल्क से एक और अच्छा सा शाही सा फ्लेवर आ जाता है, इस वजह से मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर घी मैंने इनिशियली ऐड नहीं किया था, लोग ऐड करते हैं, मैंने कम घी यूज़ किया ताकि सिर्फ उसका एरोमा जो होता है ना घी का वो आ जाए इसमें, इसलिए मैंने यूज़ किया था। तो मैंने 1 टीस्पून करके घी यूज़ कर लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन जो है मैंने अवॉइड किया, ठीक है जी। और फिर मैंने वेट किया ताकि ये अच्छे से भुन जाए और भुनने के बाद फिर जो अनियन थे वो सारे मैंने इस पर लेफ्ट ओवर अनियन जो पड़े हुए थे वो मैंने स्प्रिंकल कर दिए इसके ऊपर। स्प्रिंकल करके फिर इसको ढक के आप 1 से 2 मिनट तक पकाएं और पकाने के बाद फिर आप फ्लेम ऑफ कर दें। तो जी ये आपका रोस्ट चिकन तैयार है, यहाँ पर बोलते हैं बिया बाड़ी वाला रोस्ट चिकन, तो ये कुछ इसी तरीके से है, बहुत ही मज़े का है, आप ट्राई करके देखिएगा। अगर चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं 4 से 5, मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मेरा बेटा जो है वो नहीं खा पाता और इस वजह से मैंने अवॉइड किया, लेकिन चिली डालने से और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा एंड में केवड़ा जल जो होता है, केवड़ा वाटर, वो भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि जो वो एक एरोमा है ना और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। इसके साथ मैंने जो है ज़रदा चावल यानी मीठे चावल बना लिए थे, वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत इजी हैं और बहुत क्विक है, तो आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने ले लेना है 1.5 लीटर वाटर 300 ग्राम राइस के लिए, मैंने 300 ग्राम राइस के लिए इतना लिया था। फिर मैंने दालचीनी ले ली, लौंग ले ली 8 से 10 और इलायची ले ली 3 इलायची ले ली, ठीक है। ये सब आपने इसमें ऐड कर देनी है, इसमें ज़ीरा नहीं डलेगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद आपने डाल देने हैं लेमन के वेजेस, मतलब एक लेमन को मैंने काट लिया था और वो ऐड कर दिया इसके अंदर। और मैंने ऐड किया था इसमें ज़रदा कलर, येलो कलर जो होता है ना, आप कोई भी येलो कलर फूड कलर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो आप इसको ऐड कर लें और इसको थोड़ा सा उबाल आने दें
उस टाइम पे आप जो है जो राइस है उसको सोक कर लें पानी में अराउंड 30 मिनट्स के लिए, और फिर वो राइस आपने इसमें यूज़ करना है, ठीक है। मीन वाइल जो है मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया हसब ज़ायका, तो आप लोग नमक ऐड कर दें इसके अंदर। और इसमें जो है कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ जी घी डलता है वो मैं बाद में डालूँगी, तो आप चाहें तो 1 टीस्पून इसमें घी अभी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया, मैं बाद में ऐड करती हूँ, ठीक है जी। अब ये आ गया है उबाल, और इस तरह से उबाल आ जाए तो आपने सारे जो चावल हैं वो ऐड कर लेने हैं इसके अंदर। और चावल को इतना पकाना है कि वो जो है उसके मीन एक कनक उसकी रह जाए, और वो मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बन जाए। साथ में मैं ज़ीरा चावल बना रही थी रोस्ट चिकन के साथ खाने के लिए, आप चाहें तो रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगता है। मैंने जो है क्विक मुझे ये ज़ीरा राइस पसंद है, तो मैंने ज़ीरा राइस साथ में बनाए रोस्ट चिकन के साथ, क्योंकि मुझे वो जो ज़रदा वाले चावल है ना उसके साथ मिक्स करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ में ये मेरी किचन में कुछ मैंने प्लांट्स नए ऐड किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है किचन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ग्रीनरी भी किचन के अंदर हो, ठीक है। अच्छा, वो राइस मैंने जो है वो छान लिए हैं, पानी मैंने उसका ड्रेन कर दिया है, और साथ में अभी मैंने ऐड किया यहाँ पर घी। घी आप ले लें अराउंड 1-1.5 टेबल स्पून करके घी ले लें। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना तेल लिया था, ठीक है, 2 टेबल स्पून, और मैं घी थोड़ा सा यूज़ करूँगी, तो लेकिन लोग यहाँ पर घी यूज़ करते हैं, मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। इसमें आप डाल दें ये इलायची, और फिर इसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर जो दूसरा मतलब जो के रेजिन्स थे वो, और बादाम हो गए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो इसमें ऐड करें, तो टेस्ट आपके लिहाज से अपने लिहाज से आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो थे मुझे जो पसंद हैं चीज़ें वो यही हैं, बादाम और रेजिन्स, तो मैंने बादाम और रेजिन्स यूज़ किए। और आप चाहें तो पिस्टैचू भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो वो जो होती है ना खजूर होती है ड्राई खजूर डेट्स वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैंने ऐड कर दिया था अराउंड 1 कप के करीब शुगर, 1 कप से थोड़ा सा कम है, अराउंड समझ लें 150 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए कि मेरे चावल कम है और इस वजह से मैंने शुगर उस लिहाज से, और कम हम खाते हैं तो उस लिहाज से मैंने कम यूज़ की है, आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। फिर इसको आप पका लें, और फिर आपके जो ज़रदा वाले चावल थे वो सारे के सारे आप इसमें ऐड कर दें। आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर दें, मैंने आपको कहा था ना मैंने इसी जो स्टेनर है आप देख रहे हैं इसी स्टेनर से मैंने स्टेन कर लिया था पानी, और जो चावल मैंने थोड़े चावल ज़्यादा पकाए थे ताकि हल्का सा इसका जो है कच्चापन रहे, और क्योंकि मैं ज़्यादा दम नहीं दूंगी, बट ये है कि वो जो चीनी है और जो ऑयल है उसी में जो है चिपकते नहीं है राइस, ठीक है। तो इसको आपने अराउंड 15-20 मिनट्स स्टीम देना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद दिखेंगे, और यहाँ पर मैंने ऐड किया घी, देखें 1 टीस्पून मैंने घी ऐड किया। तो इसमें बेसिकली लोग ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, घी यूज़ करते हैं, मैं घी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो वही वही बात है कि अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो मैंने उसकी जगह पे ऑयल यूज़ कर लिया था, लेकिन टेस्ट आप यकीन जाने बहुत मज़े का आता है, आपको फील ही नहीं होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है तो आप घी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खाना है तो इस वजह से जो है मैंने घी कम यूज़ किया है, और फिर मैंने ऊपर कैश्यू बादाम रेजिन और जो नॉर्मल एलमंड्स हैं वो डाल दिए हैं जी। आ जाते हैं रशियन सैलेड पे। जब भी कोई सेलिब्रेशन घर पे होती ना तो ये तो मेरा मास्टर है, मैं ज़रूर बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
तो मैंने ले ली थी ये जी हो गए पास्ता, ठीक है। मुझे एल्बो पास्ता नहीं मिले थे तो मैंने ये वाले पास्ता बैम्बू पास्ता ले लिए थे। पाइनएप्पल मैंने बिल्कुल जो फ्रेश पाइनएप्पल होता है बांग्लादेश में मैंने वो लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा शुगर की सिरप के अंदर डिप करके उसे मैंने हल्का सा पका लिया था। और मैंने जो है एप्पल ले ली है, साथ में मैंने स्वीट कॉर्न्स ले ली, और मेरा बेटा आ गया था उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ मिक्स विक्स करती हूँ तो वो आ जाता है मेरी हेल्प करने के लिए। हेल्प तो नहीं करता खैर बस जो है वो सब चीज़ें जो है वो मैसअप कर देता है, और ये करता है कि मेरा काम बढ़ा देता है, टाइम बढ़ा देता है। बट बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि वो खुश होते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, वो फिर खाते भी हैं, यू नो अपने सामने देखते हैं ना कुछ चीज़ बन रही है तो खा लेते हैं। अच्छा ये बाउल थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा बाउल ले लिया, साथ में मैंने ले ली क्रीम, उसके साथ मैंने ले लिया मायोनीज, ठीक है। ये आपने अपने लिहाज से डालना है कितना आपको चाहिए, कितना आपको अच्छा लगता है, और आपको अगर लगे क्योंकि ये ओरिजिनल मेरे फ्रेश पाइनएप्पल थे तो ये अगर पाइनएप्पल टिन में यूज़ करती हूँ तो उसका जो सीरप होता है वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, बहुत मज़े का जायका आता है। लेकिन चूंकि ये फ्रेश पाइनएप्पल थे तो मैंने जो है शुगर थोड़ी सी शुगर भी ऐड की थी इसके अंदर, और ये रेड पेपर मैंने सॉरी ब्लैक पेपर पाउडर क्रश करके ऐड कर लिया। और जी ये मेरी रशियन सैलेड तैयार है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कैरेट और पोटैटो जो हैं बॉईल करके उसे भी क्यूब शेप में काट के वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी है। इसमें थोड़ा मायनीज कम डालें तो अच्छा और ज़्यादा हेल्दी होगा, मायनीज में फैट्स ज़्यादा होता है। बहरहाल अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था। मेरा बेटा जो है वो ऐसे ही केचप खा गया, बच्चों का आपको पता है केचप पसंद होता है। तो खैर जी ये मेरा खाना था जो मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा ये मैं मिक्स करके इस तरह से ज़रदा के चावल जो हैं खाती हूँ, पता नहीं आपको कैसे लगेंगे। ये मेरा खाना हो गया था और फिर हमने शाम के टाइम पे जो है केक कटिंग कर रखा था, और ये सुबह वाला टाइम है जिसमें मेरा बेटा जो अचानक से आया था और उसने देखा था सब कुछ तो उसे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सरप्राइज हो गया था। रात के 2 बजे बैठ के मैंने ये सारी सेटिंग की थी, जल्दी जल्दी गिफ्ट्स रैप किए थे, और 2 गिफ्ट मैंने रात में रैप कर लिए थे, 2 गिफ्ट मैंने जो है सुबह जल्दी से उठ के रैप किए, और फिर वो ये सब कुछ देख के बहुत खुश हुआ। यही चीज़ें होती छोटी छोटी खुशियाँ बच्चों के अंदर देखकर, क्योंकि क्वारंटाइन का टाइम है और यहाँ पर तो हम गेस्ट को नहीं इनवाइट कर सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ही, और अच्छा है लेकिन ये कि बच्चों को अच्छा लगता है अगर इस तरह से आप सेलिब्रेट कर लें। और ये केक था, केक के ऊपर हमने कैंडल्स रख दी थी, ये कैंडल देख के खुश होते हैं बच्चे वो जब यू नो, और मुझे भी बड़ी बड़ी खुशी होती है इस तरह की जो कैंडल को जो है जब मैं यूज़ करती हूँ तो एक एक वो वाइब्स आते हैं यू नो, बर्थडे वाइब्स। तो जी यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, आज के लिए जा दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।